Hello friends, my name is Dr. Achish Sharma. I am assistant professor in Department of Pulmonary Medicine at Ahraz Lucknow Medical College. As we all must be knowing that India is suffering from the second wave of this COVID pandemic, which turned out to be a nightmare for all of us. But there is a positive news now that the cases have been started decreasing. Earlier, the cases used to come out to be between 4 to 5 lakhs per day. But now there is a steep decline in the active cases also. At present, India reports about 1 to 1.5 lakh cases per day, and the active cases in India are below the 15 lakhs. And more than 2.69 crore of the people have been recovered from this virus in India till now. If we talk about the first wave, जैसे हमने देखा कि first wave जब आई, there was a severe lockdown and the starting of the wave. जैसे ही इंडिया के अंदर हार्डली 800 केसेस हुए, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया, पीपल स्ट्रिक्टली ओबेड द लॉकडाउन फेस, एंड बिकॉज सिर्फ उसी की वजह से रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज वॉज लेस, जिसकी वजह से हमने देखा जो सेकेंड फर्स्ट वेव आई वो धीरे धीरे ऊपर गई, फिर एक प्लेटू फेज आया, फिर धीरे धीरे डिक्लाइन कर गई, जिसके अंदर इन्फेक्टिविटी रेट भी कम था. बट वॉट हैपन द सेकेंड वेव, द सेकेंड वेव के अंदर ऐसा क्या हुआ कि देर वॉज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ दिस वेव, और फिर उसको हल्का सा प्लेटू आके अब वो डिक्रीज करना शुरू कर रही है, एंड द ग्रोथ वॉज 2.5 टाइम्स हायर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वेव. सो बेसिक फंडा वॉज दैट कि जब फर्स्ट वेव कम हुई, हम लोगों ने जैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग और ये मास्क वगैरह पहनना बंद कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करी, लॉकडाउन अपलिफ्ट हो गया, अनलॉक होना शुरू हुआ, लोग भूल गए कि इसमें कोरोना टाइम की कोरोना नाम की कोई चीज़ भी थी, जिसकी वजह से लोगों ने अपने रेस्पिरेटरी हाइजीन फॉलो नहीं करे, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करी, जिसकी वजह से दोबारा से एकदम से कोरोना को जो है एक्सपोनेंशियल राइज मिला ट्रांसमिशन के अंदर, और उसकी वजह से नंबर ऑफ केसेस एकदम से बढ़ गए. दूसरा कारण था वेव का आने का कि वायरस का बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज होना. सो हमेशा हर वायरस की टेंडेंसी होती है समय को समय बाद अपना एक जीनोम जो होता है उसका उसको वो चेंज करता रहता है, जिसको हम बोलते हैं म्यूटेशन. तो वायरस जो रह रहे धीरे धीरे म्यूटेट कर गया, और उसकी वजह से जो म्यूटेट वायरस था वो और डेंजरस हो गया, उसने और ज़्यादा लंग्स पे इफेक्ट डाला, और मेडिसिन जो फर्स्ट वेव में यूज़ कर रहे थे वो सेकेंड वेव पे इतना अच्छी तरह काम नहीं कर पाई. सो इन्हीं दो कारण की वजह से हमने देखा कि जो सेकेंड वेव थी वो 2.5 टाइम्स हायर भी थी, डेंजरस भी थी, और इसी वजह से डेथ रेट भी सबसे ज़्यादा था. अगर हम वर्ल्ड की बात करें, टोटल नंबर ऑफ द केसेस की बात करें, पूरे वर्ल्ड के अंदर अब तक 17 करोड़ 38 लाख पीपल इन्फेक्ट हो चुके हैं. मोर देन 3 करोड़ 74 लाख पीपल हैव डाइड इन द वर्ल्ड फ्रॉम दिस डिजीज. इफ यू टॉक अबाउट द इंडिया, इंडिया स्टैंड ऑन द सेकेंड पोजिशन, फर्स्ट इज यूएस, सेकेंड इज इंडिया, विच इज ऑल्सो नॉट अ गुड न्यूज फॉर अस. एज जितने भी कंट्रीज हैं सब सोचते हैं कि हम लेटर के फर्स्ट स्टेप पे आए नीचे से, और इंडिया टॉप मोस्ट पोजिशन पे, तो ये कोई अच्छी वो नहीं है इसके अंदर. बट अब धीरे धीरे जैसे केसेस कम हो रहे हैं, वी होप कि धीरे धीरे इंडिया का जो पोजिशन है वो सेकेंड से धीरे धीरे नीचे की तरफ आए. अगर हम नंबर ऑफ डेथ्स की बात करें, एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 3000 डेथ्स पर डे इन इंडिया. प्रीवियसली अगर हम देखें इसको 15 दिन पहले, तो ये जो डेथ हो रही थी ये 4 to 5000 पर डे हो रही थी. So we can clearly say that now we are on the declining phase of this second wave. So अब जैसे second wave चली जाएगी, at present there is a unlock होना शुरू हो जाएगा, government अपने restrictions कम कर देगी, तो हमको इस बीच में तीन चीज़ें follow करनी है अगर हमें third wave से बचना है. पहली, we have to still maintain a social distancing from each and every person. Second, is the respiratory hygiene. We have to follow each and every step of respiratory hygiene. हमेशा हम भीड़ में ना जाएं, मास्क पहन के रखें, जो कभी अगर छींक आए या कुछ आए तो हमेशा मुंह कवर होना चाहिए, और हमेशा कोशिश करें आप आम के इस वाले पोर्शन में अपना छींकें, डायरेक्टली अपने नोज को, हाथों को अपने नोज से टच ना करें, या कोई भी बॉडी पार्ट को टच ना करें, और तुरंत आए हर 2 घंटे पर अपना हैंड वॉशिंग करते रहें. थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वैक्सीनेशन. आई विल बी ग्लैड टू शेयर यू अ रिपोर्ट दैट इंडिया हैज क्रॉस द लैंडमार्क ऑफ मोर देन 23 करोड़ वैक्सीनेशन टिल नाउ, विच इज द हाइएस्ट नाउ
I request each and every person to get vaccinated, to go अपना पोर्टल पे जाएं, रजिस्टर करें, सेंटर पे जाएं, वैक्सीन लगाएं, बिकॉज यही तीन चीजें आपको थर्ड वेव से बचा सकती हैं। पहली सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरी रेस्पिरेटरी हाइजीन और तीसरी वैक्सीनेशन। क्योंकि हमने देख लिया फर्स्ट वेव आई, सबके घरों में इन्फेक्शन पहुंचा, सेकेंड वेव आई, सेकेंड वेव के अंदर डेथ रेट इतना हो गया कि सबकी फैमिलीज में कोई ना कोई कैजुअलिटी हुई। अब थर्ड वेव जो कि सोचा जा रहा है कि आ सकती है, तो उसको रोकने का सिर्फ यही तरीका है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग, रेस्पिरेटरी हाइजीन, वैक्सीनेशन, ये तीन स्टेप फॉलो करें। और इन स्टेप फॉलो करने से आप देखिएगा, अगर वेव आती भी है तो इट विल बी नॉट एज मच डेंजरस एज कम्पेयर टू द सेकेंड वेव।